हे दालावीज़ आमी, हाउ आर यू ऑल। सो ठंड आ गई है और एक हॉबी सबकी होती है ठंड में, दैट इज़ धूप के नीचे बैठना। धूप के नीचे बैठना और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो एक वही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें हीलिंग देती है। इसलिए आज मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको हम सन बाथ थेरेपी बोलते हैं और इसको मैं सन वाटर थेरेपी भी मानती हूँ। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीका कर सकते हैं। पीरियड्स में भी आप इस रेमेडी को, इस रिचुअल को कर सकते हो। बस पूरे दिन के 5 से 10 मिनट आपको देने हैं और वहाँ स्पेंड करने हैं। खैर, मैं तो इसको हमेशा करती हूँ, अगर आप ठंडियों में इसको करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस रिचुअल को करने के लिए पहले मैं नॉर्मल सन बाथ वाली रेमेडी बताने वाली हूँ। जब भी आप नहा धो लेते हो तो थोड़ी देर उस जगह पे चले जाइए जहाँ पे सन बहुत ज़्यादा रे, सन रेज बहुत ज़्यादा है, मतलब धूप की रोशनी वहाँ बहुत ज़्यादा आती हो। वहाँ जाएंगे और 5 से 10 मिनट आप वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। अब बस कुछ नहीं, आप वहाँ आराम से जाके बैठ जाइए, सन रेज को अपनी बॉडी में फील कराइए। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, वो बहुत अनोखी और बहुत अलग फीलिंग होती है। इस चीज़ को करने से हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, हमारे अंदर वाइब्रेशनल, हमारे अंदर बहुत बहुत हाई वाइब्रेशंस आ जाते हैं बॉडी के अंदर। इसको करने से डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एन्जाइटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसको करने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर बन जाती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सन बाथ से मिलता है, दैट इज़ विटामिन डी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सन वाटर थेरेपी नहीं करना चाहते, तो आप रोज़ ये सन बाथ थेरेपी करिए। बस आराम से जाइए और सूरज दादा के नीचे बैठ जाइए, जहाँ पे उनकी रेज आ रही है, चाहे वो गार्डन हो सकता है आपका, चाहे वो नॉर्मल आपकी बालकनी हो सकती है, आपकी कॉलोनी हो सकती है, बस आपको वहाँ जाके बैठना है। 5 to 10 मिनट्स बैठेंगे और आप देखना कितनी अच्छी हीलिंग आपको मिलेगी। अब बात करते हैं सन वाटर थेरेपी क्या होती है। अब बात करेंगे सन वाटर थेरेपी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सन वाटर थेरेपी के लिए आपको एक कांच का ग्लास चाहिए। स्टील का ग्लास अवॉइड करेंगे, कांच का ग्लास आपको यूज़ करना है। अब ये कांच के ग्लास के अंदर पानी भरना है, पीने वाला, जो आप पानी पीते हैं वो वाला पानी आपको यूज़ करना है। और उसके बाद आपको सन के नीचे इस पानी को 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद आप उस पानी को लेकर आओगे और बस पी लोगे, ऑटोमेटिकली डन। अब इसको कैसे करना है, तो अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तब तक के लिए भी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।